हाल ही में एक बार फिर से प्रत्युषा बनर्जी को लेकर चर्चाएं शुरू हुई। आप सभी जानते हैं विकास गुप्ता ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपने और प्रत्युषा के रिलेशनशिप को लेकर बातें की। प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज ने इस बात का खुलासा किया कि विकास के साथ ऐसा कुछ भी प्रत्युषा का कोई रिलेशन नहीं था, कोई दोनों का अफेयर नहीं था या दोनों किसी भी तरीके से रिश्ते में नहीं थे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि वो डिफॉर्मेशन केस फाइल करेंगे। अब राहुल राज ने चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा है कि प्रत्युषा के निधन के पीछे उसके माता पिता और उनका लालच जिम्मेदार था। राहुल ने यह भी कहा है कि मैं बहुत जल्द काम्या पंजाबी और विकास दोनों पर डिफॉर्मेशन केस फाइल करूंगा। तो राहुल ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया। आप सभी जानते हैं कि राहुल जो है जमानत पर बाहर है और उन पर इल्जाम लगा था प्रत्युषा के निधन के बाद। साल 2016 में प्रत्युषा का शव जो है वो उनके घर पर मिला था, फांसी लगा ली थी उन्होंने। तो अब जो है उनका कहना है कि विकास गुप्ता और काम्या पंजाबी पर मानहानि का केस करेंगे। खुद को बेगुनाह बताते हुए राहुल ने कहा कि प्रत्युषा के माता पिता की वजह से उसने अपनी जान दी। तो स्पॉट बॉय की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड की वजह से ये केस बहुत लंबा खिंच गया है। राहुल कहते हैं, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब कोर्ट मुझे क्लीन चिट देगा। मुझे पता है मैं अपराधी नहीं हूँ, मैंने प्रत्युषा को नहीं मारा बल्कि उसके माता पिता के लालच ने मारा है। वो उनकी ना खत्म होने वाली डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रही थी, मैंने उसे बचाने की कोशिश की, ना कि मैंने उसकी जान ली है। वो कहते हैं कि मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता, ये मेरी आत्मा दिल और दिमाग पर छप गया है। और जिस तरह से प्रत्युषा के सो कॉल्ड दोस्त विकास गुप्ता और काम्या पंजाबी ने उसकी मौत का आरोप मुझ पर मढ़ा है, उन्हें भगवान को जवाब देना है। उन्हें भी पता है कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, वो ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, उन्होंने बिना सबूत के मेरी छवि खराब की है। प्रत्युषा ने आखिरी कॉल मुझे किया था और उस आखिरी कॉल के आधार पर ही मुझे कोर्ट ने जमानत दी, क्योंकि उस पूरे कॉल में वो कहीं पर भी मुझे कुछ नहीं कह रही बल्कि इन अपने माता पिता की और ही सारी बातें कर रही थी और मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया उसने। उसका सारा दुख और गुस्सा उसके पेरेंट्स की वजह से था, यहाँ तक कि मुझे मेल बेल भी तो उसी लास्ट कॉल की वजह से मिली है। वो आगे कहते हैं, प्रत्युषा केस में जैसे ही मेरा नाम क्लियर होगा मैं विकास गुप्ता और काम्या पंजाबी के खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन यानी कि मानहानि का केस करूंगा। तो इस तरीके की बात उन्होंने की है और उनका ये कहना है कि वो बेकसूर है, वो जैसे ही उन्हें क्लीन चिट मिलेगी वो इन दोनों पर डिफेमेशन केस करेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि प्रत्युषा के निधन के पीछे कोई और नहीं बल्कि उनके माता पिता का लालच है। वो ये भी कहते हैं कि आज जो है वो एक छोटे से, उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, वो रह रहे हैं और कर्मा जो है हर किसी के कर्मा कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। वो वापस भी नहीं जाते क्योंकि वहाँ पर भी उनको पता है गांव में कि सबको पता है कि कैसे उन्होंने अपनी बेटी को टॉर्चर किया था। तो ये सारी बातों के खुलासे अब राहुल ने किए हैं। राहुल ने पहली बार इन सारी चीज़ों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।